तो पागल है, तो पागल है मंत्री या मंत्री पागल है, तो इसको पागरा में भेजो, पागल खाने भेजो, किराया हम दे देंगे। सरकार को और मुख्यमंत्री साहब को सदबुद्धि दे भगवान, मुख्यमंत्री बन जाएगा अनपढ़ और सरपंच पटा लिखा चाहिए, कोई बात नहीं, वो इंप्लीमेंट उस पर भी तो। अरे बेशरम है ये आठ जाट और नौ जाट सारे आ रहे हैं, ये जो सरपंच है ये सारे जाट थोड़ी है। ये जो अड्डा बन गया एक हरियाणा के विरोध करने वालों, मर्द लड़ सकते हैं, मुर्दे तो लड़ नहीं सकते। गांव के जो सरपंच होते हैं गांव के सीएम है, ये चांद से नहीं आ रहे, ये खटर सवार खूटा पाड़न आ रहे, ये तो भाई साहब फिर तो पाड़ेंगे देख लियो। सरपंच अगर नाराज हो गए तो फिर 24 में मामला बिगड़ जाएगा। कबीर नाम दे दे, कभी काम कंस वाले हैं, नाम कबीर इधर रहा है तो गलत बात है भाई। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है सरपंच इकट्ठे हुए हैं और ये चंडीगढ़ और पंचकुला का बॉर्डर है, यानी इससे आगे जाने नहीं देते। मतलब हर तीसरे चौथे दिन यहीं पर जो भी प्रदर्शन करने आता है हरियाणा से उनको यहीं रोक लेते हैं, क्योंकि आगे चंडीगढ़ पुलिस है, वो आगे जाने नहीं देती। लेकिन मसले में मसला ये है कि नवीन जयंत आज फिर पहुंच गए हैं। क्या बात, जब भी देखो नवीन जयंत वहीं मिलता है हमें, आज फिर आप पहुँच गए। देखो मसला ये है सर्वमित्र भाई कि जहाँ जिंदा लोग हैं तो वहाँ आना जरूरी है, अगर कोई हकों के लिए अपने लड़ रहा है। सरकार और सिस्टम से लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, मर्द लड़ सकते हैं, मुर्दे तो लड़ नहीं सकते। और जहाँ जिगर वाले लोग होंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले होंगे, मैं तो वहाँ आऊँगा। और बहुत से साथी हैं, सरपंच हैं, और इससे पहले भी रोहतक में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। सवाल ये है, और आपको मैं बताऊँ, मसला सरपंचों का नहीं है, मसला सबसे बड़ा है कि गांव की जो डेवलपमेंट है उसका है। दो साल तक जो पैसा गांव के लिए होना था उन सरपंचों ने तो मिला नहीं, अब इनको चोर बताया जा रहा है, चवन्नी दी नहीं जा रही है, आपस में लड़ते हैं। इनका पार्टी सुप्रीमो कहता है कि वो तो पागल है, तो पागल है मंत्री या मंत्री पागल है, तो इसको पागरा में भेजो, पागल खाने भेजो, किराया हम दे देंगे। सरकार के पास किराया नहीं है तो किराया हम दे देंगे, पागल कहने से बात नहीं बनेगी। ये पूरी की पूरी तरह से सरकार, ये लोग जो आ रहे हुए हैं सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये चांद से नहीं आ रहे। ये जो ये कह रहे हैं ना कि हम तो चुने हुए हैं, तो ये चुने हुए हैं गांव की, गांव के जो सरपंच होते हैं गांव के सीएम हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इनकी बात पे गौर करनी चाहिए, वरना खटर सवार खूटा पाड़न आ रहे हैं, तो भाई साहब फिर तो पाड़ेंगे देख लियो। नवीन जय हिंद। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मंत्री भी नहीं मान रहे हैं, बाकी जितने तकरीबन विधायक हैं, वह चाहे सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के, वो कहते हैं कि भाई सरपंचों की बात ठीक है, मान लो आप, है ना। तो कहीं डर है कि भाई सरपंच अगर नाराज हो गए तो फिर 24 में मामला बिगड़ जाएगा। मैं तो सभी सरपंचों को ये बात कह रहा हूँ, ये जितने भी एमएलए इनको देखो सुनो। और इसमें एक और चीज बड़ी गजब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है यह चीज कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो तो एक संवैधानिक पद है, वो जब कोई सवाल कर रहा था तो मैं सुन रहा था, वो कह रहा था अच्छा बोला उनको दे दें फिर 2 करोड़ खाने के लिए। यार तुम हद है, तुम मतलब राजा हरिश्चंद्र से सेटे पैट ले गए हो क्या? अगर राजा हरिश्चंद्र के छोरे हो, पैदा कर रखे हो, इनकी करवा लो ना, सारा जांच पड़ताल पता चल जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं इनको बेईमान ना माने, राजा हरिश्चंद्र नहीं है। और मुख्यमंत्री अपनी कम से कम इस घर का नाम तो कंस कुटीर कर ले यार, कबीर नाम धर रहा है, कबीर नाम दे, कभी काम कंस वाले हैं, नाम कबीर इधर रहा है तो गलत बात है भाई। अच्छा नवीन, हर चौथे पांचवें दिन अब यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, कभी ओपीएस वाले आ रहे हैं, कभी कोई और दूसरा आ रहा है, तो मतलब ये जो अड्डा बन गया एक हरियाणा के विरोध करने वालों का, तो इतनी तादाद में अगर हरियाणा के लोग विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं, कुछ और लोग कर रहे हैं जो भर्ती होने वाले हैं, चुनाव भी नज़दीक आने वाला जयंत, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को पता नहीं है कि इतनी जो नाराजगी है ये भारी पड़ जाएगी 2024 में? नहीं, ये सरकार जो अंडर करंट है वो समझ नहीं पा रही है कि सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार अब की बार जो कह रहे थे ना 70 पार 75 पार ये पार वो पार, तब भी नहीं हो पाया। और ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ये जिंदा लोग हैं, अपने हकों के लिए आ रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए, इनके पास 1.5 साल है, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ यही बात कह रहा हूँ कि सरकार को ये देखना चाहिए आपसे
आप बीपीएल कार्ड काट रहे हो फैमिली आईडी के नाम पे, आप जॉब दे नहीं रहे हो, आपने कह रहे आपने 3-3.5 साल हो चुके हैं, आपने कहा था कि 1 लाख दे देंगे 1 साल में, अब आप हर बार जुमले छोड़ रहे हो कि अब इतने दे देंगे। किसान है वो परेशान है, कर्मचारी है वो पीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मतलब उनके पैसे को शेयर मार्केट में लगाओगे। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए लोगों के डूब गए, जिन लोगों को पेंशन मिल रही है वो 1500-1500 इस तरह पेंशन मिल रही है। सरकार को और मुख्यमंत्री साहब को सदबुद्धि दे भगवान, वो जाके सर्वे करवाएं। अब वो कह रहे हैं रिकॉल करो, पढ़ा लिखा चाहिए, मुख्यमंत्री बन जाएगा अनपढ़ और सरपंच पढ़ा लिखा चाहिए, कोई बात नहीं वो इम्प्लीमेंट उस पर भी तो, अब कह रहे हैं रिकॉल करो। तो भाई साहब डिजिटल इंडिया है ना, एक सर्वे करवाओ ना मुख्यमंत्री का रिकॉल का, डिजिटल पे तो करवा सकते हो भाई, आप ट्विटर फेसबुक जो भी माध्यम है सब पे करवाओ, इस मंत्री का करवाओ, सरकार का करवाओ, उसमें तो पैसे नहीं लगेंगे ना, पता तो चलेगा। तो लोग बहुत परेशान हैं, और मैं आपको ये वैसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई मैं बिल्कुल मुझे कोई मैं कोई बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको इंटरनल फिर लोग बड़े परेशान है भाई साहब, कोई पेंशन के नाम पे बुजुर्ग है तो पेंशन के नाम पे परेशान है, सरपंच परेशान है, कोई तो कौन है राज जी, सब कुछ तो दुखी हो रहा है। लेकिन वोट तो फिर भी मिलता है उनको, वोट तो फिर भी ले जाते हैं जयंत अभी। हाँ ये बात देखो, अभी एक ट्वीट देखा था मैंने मुख्यमंत्री का, उसने दे रहा है कि ट्विटर हैंडल है टीम हरियाणा, उस पे आ रहा था कैसे नॉन जाट सीएम ने काम किए। अरे बेशरम है ये, आड़ जाट और नॉन जाट सारे आ रहे हैं, ये जो सरपंच है ये सारे जाट थोड़ी है, जाट नॉन जाट किसका क्या लेना देना है यार, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आप सबके हो, उसके बाद भी उन हैंडल से बेशर्मी की तरह मुख्यमंत्री साहब इंटरव्यू दे रहे हैं और लिखा रहा है देखो नॉन जाट हो, तो यार ये क्या मतलब है। तो इससे दिख रहा है कि ये चुनाव में जाट और नॉन जाट करते हैं, और वो जाति का जो जहर है, धर्म का जो जहर है, वो चुनाव के दौरान चलना शुरू हो जाता है, अरे भाई फिर लोग उसे साबित हो जाए, फिर भुगतना तो पड़ेगा भाई, फूल भला के हारो भला बोया पेड़ बबूल तो भला। तो सुन लिया आपने, एक्चुअली यहाँ हर चौथे पांचवें दिन ऐसा होने लग गया है, कभी कर्मचारी करते हैं, सरपंच करते हैं, कुछ और करते हैं आते हैं, सो देखना होगा क्या कुछ आगे होता है, यहाँ से वापस हो जाते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल को आगे बुलाया जाता है 5-4 लोगों को, और वो सीएमओ का कोई जो होता है उसके साथ मीटिंग करवा दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, और फिर मामला ठप हो जाता है। देखना होगा सरपंचों का क्या बनता है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि सीएम और मंत्री एक तरफ हैं और बाकी लोग चाहते हैं कि इनकी बात सुन ली जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो हमने डिसाइड कर दिया है अब उसी हिसाब से काम होंगे, आगे देखेंगे क्या कुछ होता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो। लास्ट डायलॉग आपका। मेरा डायलॉग कुछ नहीं है भाई साहब, सरपंच है खट्टर साहब का खुट्टा पाटन था यारे है, अगर जो नहीं मानना तो खुट्टा पाट रहे पाटेगा। अरे सरपंच है 1000 के बराबर एक आदमी है, अरे इसने कैमरा मैन मेरे भाई एक बार घुमाई एक बार प्रेरणा देखिए, इतने लोग देखे हैं आपने, कोई सी भी पार्टी पार्टियों के प्रदर्शन होते होंगे ना, ये तो ये जितने लोग आ रहे हैं ना भाई साहब, ये सारे गांव के सीएम हैं, ये खट्टर साहब ये समझ ले कि वो अकेले सीएम नहीं है, ये भी गांव के सीएम आ रहे हैं आड़े, बाकी खुट्टा मैंने बता दिया पाटा का भाई। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूँ। तो आप इस बातचीत पे आपको क्या लगता है, जो सरपंच आज इकट्ठे होकर पंचकुला पहुंच गए, सीएम कोठी का घेराव करना चाहते थे लेकिन आगे तो बढ़ने नहीं देते कोई भी आ जाए यहाँ पे, सो जो सरपंच बोल रहे हैं या जो आपने सुना है कि आप मंत्री भी आमने सामने हो गए हैं, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर दा मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।